अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हम फाइंड करते हैं साइन कॉस टैन की वैल्यूज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो टेबल याद करते हैं वो बहुत आसान मेथड बताने वाली हूँ, जो कि है कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इस मेथड को हम कहते हैं पाम मेथड, ठीक है। पाम इस तरह से कि हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी ये फाइव फिंगर्स, ठीक है, ये फाइव एंगल्स को शो करती हैं, ठीक है। हमारी लिटिल फिंगर जीरो का एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके पास जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, रिंग फिंगर है, दैट इज अबाउट 30, नेक्स्ट वन 45, उसके बाद आपकी 60, और ये आपका एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपके पास जीरो, फिर उसके बाद ये 30 का, 45, 60 और 90। आपके पास ये एंगल्स जो हैं, आपका हाथ, ये एक पाम मेथड जो है वो कहलाता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको समझना आसान हो। ये आपकी फाइव फिंगर्स हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एंगल कौन से हैं? हमारे ये एंगल जो है ये इस थीटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की देख चुके हैं डायग्राम में, तो आपके पास ये थीटा का एंगल है और इस थीटा के अकॉर्डिंग जो है ये थीटा आपका जीरो भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है और 90 का भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये एंगल्स आपके ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो आपका हम अभी के लिए जीरो से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से देखना है कि आपके पास ये टेबल गिवन है, ठीक है, कि हम साइन जीरो कैसे फाइंड करते हैं। जीरो जो है इसका मतलब है कि आपके पास इस फिंगर से नीचे कोई और फिंगर मौजूद नहीं है, कोई और लाइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये जीरो है। इस पे हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। यहां मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहां पर जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स वो डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। किस तरह से, अब जीरो है, ये जीरो है, जीरो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके पास जीरो फिंगर लेफ्ट है और उसको अगर मैं डिवाइडेड बाय टू करूंगी तो सारी बात है ये आपके पास जीरो बनेगा। तो साइन जीरो की वैल्यू आपके पास जीरो आएगी, ठीक है। अब साइन 30 पे अगर हम आए, 30 आपका ऊपर है, इसके नीचे एक फिंगर मौजूद है, हमने इस तरह से चलना है, इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। अब 30 है, 30 के नीचे जो है एक फिंगर मौजूद है, ठीक है। तो इसके बाद इसको अगर हम देखें इसी फॉर्मूले के थ्रू तो आपके पास साइन 30 की वैल्यू जो है वो ये बनेगी कि अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक फिंगर रहती है, 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 बाय 2, क्योंकि आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो सेम होगा। तो आपके पास साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। वापस आए फिगर पे तो आपके इसके अकॉर्डिंग 45, नेक्स्ट वन इज योर 45, 45 के नीचे दो आपकी फिंगर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो साइन 45 है दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि टू फिंगर्स मौजूद थी और उसको डिवाइडेड बाय टू किया, तो जब अंडर रूट 2/2 आता है तो इसको हम ये करेंगे कि दोनों तरफ अंडर रूट 2 से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट 2, ये कटिंग हो गई अंडर रूट 2, बाहर ये कटिंग होगी, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 2। तो हम बाय डिफॉल्ट ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 आता है तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 2, समझ आ गई, ठीक है। 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया है, तो आपके पास साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 2, तो आपका ये आएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। 60 पे आए तो साइन 60, अब 60 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास थ्री फिंगर्स हैं, 1, 2, 3, थ्री फिंगर्स हैं, तो आप यहाँ पर जो है साइन 60 को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, थ्री फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2,
इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, तो आपके पास साइन 60 की वैल्यू जो है वो आएगी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड लास्ट वन योर 90 डिग्री, योर 90 डिग्री, तो 90 के पास 1, 2, 3, 4 फिंगर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास साइन 90 जो है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, कटिंग हो गई 2 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, आपका साइन का टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन का टेबल अगर आपको समझ आता है कि फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2, अगर आपको ये फार्मूला जो है वो क्लियर हो गया है तो आपके लिए अगली वैल्यूज़ को फिल करना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉस की वैल्यू अगर लेंगे तो कॉस की वैल्यू बिल्कुल आपका जो साइन 90 है तो वो उसको हम टेबल में इन्वर्स कर देंगे। कैसे? कि ये आपके पास होगा 1, ये वाला कॉस 30 होगा अंडर रूट 3 बाय 2, 45 1 ओवर अंडर रूट 2, नेक्स्ट वन 30 आपका जो था वो 60 में बन जाएगा, ठीक है, और लास्ट वन इज 0। समझ आ गया? ये बहुत आसान है कि आपके पास अगर साइन की वैल्यूज अगर आपको समझ आती हैं तो कॉस को इसको टोटली इसका इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है, उल्टा के कर देंगे, ये कह सकते हैं। टेन की वैल्यू कैसे लेते हैं? टेन का मतलब होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो आपके पास टेन टिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको फाइंड करना अगेन मुश्किल अब नहीं होगा। कैसे? कि अगर आपके पास हम साइन डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे दैट इज इक्वल्स टू अगेन 0, बेसिकली तो ये इन्फिनिटी के इक्वल आता है ना, ठीक है, 0 आ गया। नेक्स्ट वन इज 30, 1 बाय 2 अंडर रूट 3 बाय, अगर मैं यहां पर करूं 10 30, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा का मतलब यानी 30, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 बाय 2, अगर मैं इसको 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया ना, कटिंग होगी, बचा क्या 1 ओवर अंडर रूट 3, तो ये आपके पास टेबल फिल हो गया 1 ओवर अंडर रूट 3। समझ आ गई? सेम 45 का होगा तो आपके पास टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अभी फाइंड की थी साइन 30 की, ठीक है, तो मैंने ये साफ सुथरी यहाँ पर करके दोबारा से सॉल्व की है कि आपके पास टेन थीटा जो है वो किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लगाई तो आपके पास ये टेन 30 की वैल्यू आ रही है, उसी तरह से टेन 45 की वैल्यू डिवाइड के साथ अगर हम टेबल में से जो पहले की हमने फाइंड की थी, ये देखिए कि हमारे पास कॉस 45 1 बाय 2 और साइन 45 वो भी 1 ओवर अंडर रूट 2, अगर इसको यहाँ पर 45 और 45 का अगर हम लिखें तो 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 और फिर ये इक्वल्स टू 1 आ जाता है, कटिंग ओके। सेम यहाँ 60 आप खुद करके देखें तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अब ये 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 के साथ था तो यहाँ पर आया आपके पास 1 और यहाँ पर जो है वो बचा अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है, और सेम एज यहाँ पर ये इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। अब ये कोसेकेंड है, कोसेकेंड में हमने क्या करना है कि आपको ये फार्मूला याद है, यहाँ हमने जो देखा था कि आपके पास साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, यानी कि सम पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कोसेकेंड है उसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा, इसका इन्वर्स ले लेंगे ना, ठीक है, कॉस दैट इज अगेन इसका इन्वर्स ले लेंगे और टेन का जो है वो इन्वर्स कॉट थीटा होता है, ये इसका इन्वर्स होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास पहला तो है वो तो ऑटोमेटिकली साइन का अगर हम ऑपोजिट लेंगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है,
साइन 30 जो है वो 1/2 था, तो यहाँ पर कोसिकेन जो है वो 2 जो है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 45 1/2 है, तो यहाँ पर ये √2 आ गया। ये 2 √2/3 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3 √, ठीक है। सेम एस यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा। इसका ऑपोजिट लेंगे तो क्या होगा, 1 2√3 √2, इसका 2 और 0, ठीक है। इसका ऑपोजिट होगा तो आपके पास आ जाएगा √3 1 और 1√3 था, तो ये 1/√3 और दिस 1। समझ आ गई? ये आपका टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये टेबल जो है वो हमारे लॉगरिथमिक बुक के एंड पे भी दिया जाता है, वैसे भी होता है। तो अगर हमें साइन की वैल्यू आपने देखा आती होगी, तो बाकी को सॉल्व करना बहुत आसान है।